धर्म ग्रंथों में वर्णित नौ रहस्यमय जीव महाभारत रामायण और पुराणों में कुछ ऐसे पशु और पक्षियों के बारे में बताया गया है जो आज के समय में मौजूद नहीं है। ये प्राणी ऐसे हैं जिन पर आज के समय में तो विश्वास करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये बातें तो कर ही सकते हैं, साथ ही इनके साथ चमत्कारी ताकतें भी हैं। इन पर विश्वास करना न करना ये तो आस्था पर निर्भर करता है। हम बताते हैं आपको धर्म ग्रंथों में बताई गई कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में। इच्छाधारी नागकन्या। महाभारत में अर्जुन ने पाताल की एक नागकन्या से विवाह किया था जिसका नाम उलूपी था। वह विधवा थी। अर्जुन से विवाह करने के पहले उलूपी का विवाह एक नाग से हुआ था जिसको गरुड़ ने खा लिया था। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र अरावन, जिनका दक्षिण भारत में मंदिर है और किन्नर उनको अपना पति मानते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नागकन्या से ही हुआ था जिसका नाम अहिलवती था। गरुड़ माना जाता है कि गिद्धों गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी। ये भगवान विष्णु का वाहन है। कहा गया है कि ये एक शक्तिशाली चमत्कारिक और रहस्यमय पक्षी था। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता के दो पुत्र हुए गरुड़ और अरुण। गरुड़ विष्णु की शरण में चले गए और अरुण सूर्य के सारथी हुए। उच्च श्रवा घोड़ा घोड़े तो कई हुए लेकिन सफेद रंग का उच्च श्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। उच्च श्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो या जो ऋषवों का राजा है। कामधेनु। समुद्र मंथन से एक गाय भी निकली थी जिसे कामधेनु कहा गया। पहले यह गाय जिसके भी पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। इस गाय के दर्शन से भी मनुष्य के हर काम सफल हो जाते थे। दैवीय शक्तियां प्राप्त कर चुकी कामधेनु गाय का दूध भी अमृत माना जाता था। ये जहां भी रहती थी वहां का ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होता था। संपाती और जटायु। ये दोनों पक्षी राम के काल में थे। संपाती और जटायु। इन्हीं पुराणों के अनुसार संपाती बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाक ऋषि की सेवा करते थे। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। एरावत आदि। एरावत सफेद हाथियों का राजा था। इरा का अर्थ जल है, इसलिए इरावत समुद्र से पैदा होने वाले हाथी को एरावत नाम दिया गया है। हालांकि इरावती का पुत्र होने के कारण ही उनको एरावत कहा गया है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से मिले रत्नों के बंटवारे के समय एरावत को इंद्र को दे दिया गया था। शेषनाग। भारत में पाई जाने वाली नाग प्रजातियों और नाग के बारे में बहुत ज्यादा विरोधाभास नहीं है। सभी कश्यप ऋषि की संताने हैं। पुराणों के अनुसार कश्मीर में कश्यप ऋषि का राज था। आज भी कश्मीर में अनंत नाग शेषनाग आदि नाम से स्थान है। शेषनाग ने भगवान विष्णु की शैया बनना स्वीकार किया था। ये कई फनों वाला नाग माना जाता है जिस पर पृथ्वी टिकी है। ऐसी भी मान्यता है वानकर मानव राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, यानी आज से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में मौजूद थी। इसके साक्ष्य मिले हैं। रीच मानव। रामायण काल में रीच नुमा मानव भी होते थे। जाम्बवंत इसका उदाहरण है। जाम्बवंत भी देवकुल से थे। भालू यारी छुटसिडे असडाई परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। इसकी अब सिर्फ 8 जातियां ही शेष बची हैं। संस्कृत में भालू को वृक्ष कहते हैं जिससे रीच शब्द उत्पन्न हुआ है, मगर ये रीच इंसानों से बातें नहीं कर सकते हैं।